मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 अपराधियों को हथियार सहित धर दबोचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। पेश है मुजफ्फरपुर बिहार से उमा शंकर गिरी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों पर छापे मारी कर 5 अपराधियों को हथियार एवं नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार किया। वही अहियारपुर थाना पुलिस भी एक कारतूस, एक पिस्टल के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसका पहचान सोमन कुमार, पप्पू कुमार एवं रवि कुमार के रूप में किया गया है। यह अपराधी अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब का रहने वाला है। सिटी एसपी ने बताया कि पहले से भी इन सभी का कई आपराधिक रिकॉर्ड रह चुका है। बताइए, दिनांक 13 तारीख को मोतिहारी जाने वाली एनएच पे एक ट्रक लूट की घटना की सूचना मिली। इस सूचना पे डीएसपी नगर और थाना अध्यक्ष अहियापुर को तुरंत बताया गया और इस संबंध में कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। उन लोगों द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और बकरी पेट्रोल के पास उस ट्रक को जब्त कर लिया गया। ट्रक में 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। एक व्यक्ति भागने में सफल रहे, परंतु 2 व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही। एक का नाम इंद्रजीत सहनी, पिता गगनदेव सहनी, ये रहने वाले बतना थाना मोतीपुर के हैं, और दूसरे शाहनवाज अंसारी, ये रहने वाले चकबुल्ला थाना अहियापुर के हैं। तलाशी के क्रम में इनके पास से एक देसी कट्टा, एक गोली, एक मोबाइल और ट्रक का रजिस्ट्रेशन का जो कागजात था वो इनके पास से बरामद हुआ है। ट्रक का नंबर था TS 5BU 53। एक दूसरे मामले में अहियापुर पुलिस को सूचना मिली कि कल 13 तारीख को ही सुबह 4 बजे दूसरी सूचना थी, वो दिनांक 12/6/21 के रात्रि की है। एक सूचना प्राप्त हुई कि दादरपुर पुल के पास में कुछ अपराधकर्मी अपराध की घटना देने के नियत से एकत्रित है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी की गई। वहां से 3 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक पिस्टल मैगजीन सहित 2 गोली और 15 स्मैक का पुड़िया बरामद हुआ है, साथ में मोबाइल फोन भी है। इन गिरफ्तार अपराधकर्मियों में एक सोनम कुमार और सोनम सहनी है, जो शेखपुर ढाब के रहने वाले हैं। दूसरे रवि कुमार और रवि सहनी है, ये भी शेखपुर ढाब के ही रहने वाले हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इन लोगों के विरुद्ध में लगभग 4-4, 5-5 केस दर्ज है। इसी तरह तीसरे व्यक्ति पप्पू कुमार और पप्पू सहनी है, जो शेखपुर ढाब के रहने वाले हैं, ये भी शराब कांड में पहले से वांटेड थे। इन तीनों को गिरफ्तार करने के पश्चात में आज जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इन अपराधियों का सर क्या कुछ अपराध करते थे? इन लोगों का कई तरह का अपराध में संलिप्तता रही है। ये शराब के कांडों में भी रहे हैं, मोबाइल के छिनतई भी के मामले में भी रहे हैं और स्मैक के भी कारोबार में। गिरोह वगैरह भी चलते थे इनका? इनका कोई एस्टेब्लिश गिरोह नहीं है, लुक छिप करके अपना काम करते हैं और साथ साथ में इस बार तो कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फराक में जो भी एकत्रित थे और संभवतः कोई बड़ी घटना करते रहे। ट्रक वाले में कहां से ये ट्रक लूट कर लाया था? ये मोतीपुर के पास में एनएच जो है, मोतिहारी मुजफ्फरपुर एनएच है, वहीं पे मोतीपुर के पास में इस ट्रक को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।